सर, जेवर एयरपोर्ट जल्दी ही फंक्शनल होने वाला है, तो कितनी फ्लाइट ऐसी होंगी जो घरेलू और कितनी फ्लाइट ऐसी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संचालित होंगी? देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, उसके लिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग की थी और फ्लाइट शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन होता है किसी भी एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले। तो एडा के ऑफिस में उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें एआई के लोग, डीजीसीए के लोग, यापल के लोग और सारे विभागों के लोग वहाँ मौजूद थे और यह तय पाया गया कि फ्लाइट शेड्यूल अभी कर दिया जाए, कब क्या काम होगा। उसके अनुसार जो कैलिब्रेशन था वो लगातार 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कैलिब्रेशन की फ्लाइट्स थी, वो फ्लाइट सभी आ गई, कैलिब्रेशन हो गया। और साथ ही साथ जो लैंडिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS बोलते हैं, उस पर उसका अप्रूवल DGCA देता है कि आपके लैंडिंग के लिए सारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं। और जो रनवे की लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर है, 3950 मीटर लंबा रनवे है, इस मैक्सिमम लंबाई यही होती है, 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। तो इसमें रनवे का जो ढलान है, जो उसका विंड है, जो डायरेक्शन है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी 100% ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये लगातार 4-5 दिन कैलिब्रेशन फ्लाइट्स आई और ये फ्लाइट्स फिर DGCA में सबमिट की गई, उनके डिटेल्स, उनके डाटा सबमिट किए गए और उसका अप्रूवल प्राप्त हो गया हमको। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल रहा और एक चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतिदिन जो एयरलाइंस हैं, जो अभी आकाशा और इंडिगो, जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, एयर इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने छोटे जहाज हैं, ये सब लगातार रोज उड़ान भरेंगे, रोज लैंडिंग करेंगे और लगातार 1 माह तक ये लैंडिंग की प्रक्रिया, टेस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी और 1 महीने का डाटा फिर अपलोड किया जाएगा। और DGCA की वेबसाइट पर बहुत ही वॉल्यूमिनस डाटा होता है, बड़ा डाटा हो, 1 महीने में जितनी फ्लाइट उतरी, जितनी टेक ऑफ की, उसके सारे डाटा अपलोड होते हैं। फिर DGCA से एरोड्रोम लाइसेंसिंग मांगा जाता है कि एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया जाए, ये हम 20 दिसंबर को सबमिट कर देंगे। 90 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता है, मोटा मोटी मानिए कि 20 मार्च के पहले ये लाइसेंस आ जाएगा या मैक्सिमम 20 मार्च तक आ जाएगा। फ्लाइट शेड्यूलिंग में हम लोगों ने IATA में मीटिंग हो चुकी है। IATA अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है फ्लाइट्स की, वो बायोलेटरल एग्रीमेंट जो देशों के मध्य होता है उसके आधार पर फ्लाइट देती है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए हम लोगों ने अप्रूवल मांगा है, उसका अप्रूवल भारत सरकार से देना है, वो ऑलरेडी सबमिटेड है, उसके डिटेल्स अभी हम डाइवर्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट बेस्ड चीज़ें हैं। लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय, पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक डोमेस्टिक उड़ानों का सवाल है, लगभग 25 डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है लाइनअप है, जो कि अलग अलग एयरलाइंस चलाएंगी। साथ ही साथ कार्गो की भी फ्लाइट उसी दिन से शुरू करने का प्लान है। तो जो पहले चर्चा थी कि कार्गो का एयरपोर्ट है, तो आपके माध्यम से स्पष्ट मैं कर रहा हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है और कार्गो एयरपोर्ट है। तीनों सुविधाएं पहले दिन से शुरू होंगी और लगभग 28 से 30 फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और बाद में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ 10 हमने गेट लगाए हैं, 10 एरो ब्रिजेस रहेंगे शुरू से ही और 10 एरो ब्रिजेस हैं, तो आप आराम से 2 से 250 फ्लाइट्स मैनेज कर सकते हैं। तो डे 1 से इतनी फ्लाइट मैनेज करने की क्षमता इस एयरपोर्ट की रहेगी।